बार फिर से राजस्थान शर्मसार हुआ है। हालांकि कांग्रेस की फितरत रही है सदन में बदजुबानी से लेकर और व्यभिचार की कहानी बहुत पुरानी है कांग्रेस की, तंदूर कांड से लेकर अजमेर के फोटो ब्लैकमेल कांड से लेकर, ये वही पार्टी है, वही लोग हैं। और आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक के बेटे के खिलाफ जब दुष्कर्म के आरोप लगते हैं तो न केवल राजस्थान शर्मसार होता है, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है और यही उसी फहरिस्त में एक मुकदमा और जुड़ जाता है जो 7.25 लाख मुकदमों तक पहुंची हुई और एक वर्ष में 6,337 दुष्कर्म की घटनाओं में एक कड़ी और जुड़ती है। ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया, गुंडों का, इस तरीके के व्यभिचारियों का राज है, जो सीधे सीधे इस बात को इंगित करता है कि इस तरीके के अपराधों को कांग्रेस का राजनीतिक संरक्षण है। मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री हैं उनके लिए तो और ज्यादा शर्मनाक है कि राजस्थान के मुखिया, जिनको अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा है, किसी महिला की अस्मत बचाने की फिक्र कम है। जो मेरे बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है और वो राजनीतिक एक षड्यंत्र है मेरे लोकप्रियता को देख करके, और कुछ लोगों ने परेशान और अपना स्टंट बना करके राजनीति मुझे डैमेज करने के लिए मेरे बेटे के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं, निराधार है, राजनीतिक से लिप्त है। इन लोगों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने पूर्व में मेरे खिलाफ FIR दर्ज की थी, वो तफ्तीश में बिल्कुल झूठी और निराधार असत्य मानी गई है। इसके बावजूद उन्होंने ये नया षड्यंत्र रचा है जिससे इसकी लोकप्रियता खत्म हो और मुझे राजनीति नुकसान हो। And on that shocking story, in fact, now we have Gulabchand Kataria on the phone line joining us on the broadcast. Gulabchand ji, we have seen the kind of politics that has broken out. अब एक FIR भी लॉन्च हो चुकी है जो दीपक मीना है उनके अगेंस्ट में, उनके साथ साथ उनके कई सारे दोस्त थे और FIR में क्लियरली ये विटनेस भी बता रही है और जो जो पीड़ित हैं वो भी बता रही हैं कि ये इन्वॉल्व थे, पर ये पॉलिटिकल फेस ऑफ इस पे ऊपर क्यों हो रहा है अब राजस्थान में? देखो, ये दुर्भाग्य राजस्थान का और एक के बाद एक घटनाएं जिस सरकार के कार्यकाल में हो रही है और जिस राज्य का एक तरह से गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है और उसके बाद भी जो अभी आपने राजगढ़ के MLA के बच्चे के बारे में आया है, ऐसी कई घटनाएं हुई है और अभी MLA साहब को ही सुन रहा था कि मेरे पर झूठा है, मान लो मेरे खिलाफ भी कोई FIR दर्ज करा दे तो मैं झूठा तब कहूंगा जब जांच में मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। तो पहले कहना तो ये थी भाई इसकी जांच करा लो, जांच में अगर मेरा लड़का दोषी पाया जाता तो उसको दंडित करो, ये कहने के बनिस्पत वो उसका तरफ जो है ना एक तरह से दे रहे हैं। इसका मतलब सरकार के नुमाइंदे और सरकार के भागीदार लोग इस प्रकार के घिनौने काम भी करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास करते हैं, ये दुर्भाग्य है। गुलाबचंद जी, पर इस पे अब बीजेपी की बीजेपी के लोग भी क्या करेंगे वो एक सवाल उठता है, बट बने रहिए हमारे साथ। जौहरीलाल मीना ऑल्सो ज्वाइंस अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। जौहरीलाल जी, वी हैव सीन हाउ ये जो पॉलिटिकल फेस ऑफ हो रहा है, ये काफी क्लियर एक FIR लॉन्च की गई है, इस पे अब राजनीतिक बयानबाजी क्यों की जा रही है? हेलो जी, जी बताइए भाई। मैं ऐसे है, मैं जौहरीलाल मीना MLA बोल रहा हूँ। मैं राजनीतिक में जो मेरा परचेस और मेरी सीट और साख बढ़ती जा रही है, जो बैड एलिमेंट से घूमने तत्व है जो मुझे देखना नहीं चाहते, वो लोग मेरे भी आरोप लगाएंगे कि 7.5 साल पहले और मेरे बेटे को, उन लोगों को देखा नहीं जा सकता, तुम उनके लोग तो गुंडा बदमाश है और मैं इज्जतदार हवला आदमी हूँ और राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी राजनीति में एक भी कोई कमी नहीं है, राजनीति जनता मुझे प्रसन्न है, उस प्रसन्नता को देख करके लोग बचा नहीं सके और मेरे खिलाफ है जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फर्जी, ये सारा फर्जी है, राजनीति षड्यंत्र। जौहरीलाल जी, आपके जो FIR लॉन्च की गई है उसमें क्लियरली बताया जा रहा है जो पीड़ित है उनने आइडेंटिफाई किया है आपके बेटे को भी, तो इसमें पॉलिटिकल बात आती कहां से है? किया ना देखा ना, कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उन्हें मेरे लड़के वो आज तक होटल में नहीं गया, आज तक वो लड़का नहीं जाना, लड़की वो लड़का नहीं जाना,
आइडेंटिफाई नहीं हुआ बिल्कुल ही, गलत बात है, 100% गलत है। वो राजनीति षड्यंत्र है और मुझे डाउन करने के लिए, मेरे परिवार डाउन करने के लिए, क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव है, चुनाव की तैयारी है, उसपे क्या सवाल बोलेंगे आप? वो कह रहे हैं कि राजनीति, राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। तो जौहरी लाल जी को ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई जांच करा लो और जांच में मेरा लड़का दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये तो जौहरी लाल जी का सही स्टेट है, लेकिन केवल उसको प्रोटेक्ट वो कर ही नहीं सकता, वो ही नहीं सकता। इस प्रकार की बात कहना तो एक तरह से कानून की हत्या करना है। आज कोई मारे पर आप 376 का आरोप डाल रहे गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष के नेता पे, तो मेरे को अगर दम है तो मैं कहूँ भाई इसकी जांच करा लो, अगर मैं दोषी हूँ तो सजा दो ना। ये शब्द नहीं बोल करके उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना, इसका मतलब दाल में काला है। मीडिया ट्रायल हियर एंड ऑफ कोर्स वी विल वेट फॉर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन फॉर द राजस्थान पुलिस टू कैरी आउट। बट ऑफ कोर्स आई थैंक गुलाब चंद कटारिया एंड जौहरी लाल मीना टू जॉइन अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन राजस्थान। अब नेक्स्ट व्यूअर्स, वी गेटिंग यू सम मोर ब्रेकिंग विजुअल।